रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सेना में भर्ती करने वाले सेंटर्स के सभी हेड्स को बर्खास्त कर दिया है। कीव में उन्होंने इसकी घोषणा की। जेलेंस्की ने यह कदम बढ़ते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उठाया है। जेलेंस्की ने बताया कि इन 33 अफसरों पर आरोप है कि वो पुरुष से घूस लेकर उन्हें देश छोड़ने में मदद करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे एक दिन के दौरे पर यूरोपीय देश ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर विदेशी मंत्री जॉर्ज जेरापोट्रिट्स ने उन्हें रिसीव किया। 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर है। इंदिरा गांधी के बाद ग्रीस जाने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार उनकी पार्टी के नेता हैं और इसमें कोई दोराय नहीं है। उन्होंने एनसीपी में टूट की बात से इनकार किया है। शरद पवार ने कहा, कोई पार्टी तब टूटती है जब पार्टी से एक बड़ा ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर अलग हो जाता है। एनसीपी में कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है, इसे फूट नहीं कह सकते, वे लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि 2 जून को बालासोर में ट्रेन हादसा पटरी पर बिना अप्रूवल हो रहे मरम्मत कार्य के कारण हुआ था। हादसे में पहले बहानागा बाजार स्टेशन के लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर बिना मंजूरी के मरम्मत का काम किया गया था। इस रेल हादसे में 296 लोगों की मौत हुई थी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 20 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 23 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 37 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान एक मरीज की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 69,41,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 69,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,209 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिडोज ने जॉर्जिया में पुलिस को सरेंडर कर दिया है। विदेशी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और 18 अन्य आरोपियों पर साल 2020 में प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौरान जॉर्जिया के चुनाव नतीजों को पलटने की कोशिश का आरोप है। हिमाचल प्रदेश में बीते 48 घंटों में बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ। मंडी में बादल फटने से 51 लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बचा लिया। दूरदराज इलाकों में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाने पीने का सामान और जरूरी दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये लीटर तो डीजल 89.62 रुपये लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं देश के 16 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर के ऊपर बना हुआ है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 390 अंक की गिरावट के साथ 64,860 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 116 अंक की गिरावट है या 19,270 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट और केवल 3 में तेजी देखने को मिल रही है।